इसरो ने लैंडर विक्रम का पता लगा लिया है। एक बार फिर सपने के पूरे होने की उम्मीद जगी है। ऑर्बिटर ने लैंडर विक्रम की थर्मल इमेजिंग तस्वीरें खींची है। दरअसल इसरो विक्रम लैंडर से संपर्क करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रोहतक में फिर से बीजेपी को बहुमत दिलाने की अपील की है। विजय संकल्प रैली को संबोधित कर लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए जनता का धन्यवाद किया। पीएम ने कहा कि बीते 5 साल में हरियाणा को बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार के डबल इंजन का पूरा फायदा मिला है, आगे भी ये फायदा मिलता रहेगा। पीएम मोदी ने रोहतक दौरे के दौरान लगभग 2000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए सिरसा, पलवल, हिसार और नूह में डिग्री कॉलेज का उद्घाटन भी शामिल है। साथ ही एक मेगा फूड पार्क, रोहतक में मॉडल टाउनशिप, करनाल में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। अपने दूसरे कार्यकाल के 100वें दिन का मोदी सरकार ने रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों को बताया। कहा, 100 दिन में मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जेठमलानी के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया। गृह मंत्री अमित शाह ने राम जेठमलानी को घर जाकर श्रद्धांजलि दी। इंदिरा गांधी केस के हत्यारों का केस, डॉन हाजी मस्तान और हर्षद मेहता जैसे केस उन्होंने लड़े थे। एक मशहूर वकील के साथ साथ जेठमलानी राजनेता भी थे। फिलहाल RJD से राज्यसभा सांसद थे। गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के राज्यों के साझा मंच नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बैठक में शिरकत करने असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचे। 2 दिवसीय बैठक में असम के साथ ही पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में गृह मंत्री के साथ मौजूद रहेंगे, जहां पूर्वोत्तर के विकास के लिए चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि NRC की फाइनल लिस्ट जारी किए जाने के बाद अमित शाह का ये पहला दौरा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ के मंत्रियों की लगी क्लास। लीडरशिप की ट्रेनिंग के साथ साथ राज्य की आर्थिक और सामाजिक तरक्की पर IIM के प्रोफेसर ने लेक्चर दिए। ट्रेनिंग का ये दौर अगले 2 रविवार यानी कि 15 सितंबर और 22 सितंबर को भी जारी रहेगा। राजस्थान के पुष्कर में 3 दिन तक चलने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समन्वय समिति की बैठक का आज 2रा दिन है। संघ से संबंधित करीब 35 संगठनों के सदस्य बैठक में शामिल हुए। बैठक में NRC लिस्ट से हटाए गए हिंदुओं पर चर्चा की गई। पाकिस्तान के मोबाइल टावरों से भारत भेजे जा रहे संदेश पर NSA प्रमुख अजीत डोभाल का खुलासा हुआ। कोडवर्ड में भेजे गए संदेश को डिकोड किया गया। हमला नहीं करने पर आतंकियों के आकार दहशत गर्दों को चूड़ियां भेजने की बात कर रहे हैं। श्रीलंका में चल रहे U19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को 60 रनों से हराकर भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर भारत ने बनाए 305 रन। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम 50 ओवरों में महज 245 रन ही बना पाई।